सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाकर चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार किया। आज द्वितीय चरण का प्रसार प्रचार समापन की ओर है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 19 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में उतरे और आज मंसूरचक एनएन सिन्हा कॉलेज पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एनडीए के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता के समर्थन में आए तो बछवाड़ा चमथा जैसे विभिन्न जगहों पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल रैली हो रहा है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अभी तक भाजपा का खाता नहीं खुला है तो देखना है कि इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट पर जो बीजेपी के तमाम प्रचारक हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि भगवानपुर प्रखंड में मनोज तिवारी रामकृपाल यादव का आगमन हुआ तो वहीं बछवाड़ा प्रखंड के चमथा एक पंचायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आगमन हुआ और आज बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का आगमन होने जा रहा है। भाजपा ने अपना दमखम बछवाड़ा विधानसभा सीट पर झोंक दिया है। कई भाजपा नेता प्रचारक के रूप में बछवाड़ा विधानसभा सीट पर आए। क्या इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अपना परचम लहरा पाएंगे तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीब दास का भी रोड शो, महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय का भी रोड शो हो रहा है। जनता पार्टी की उम्मीदवार कुंदन सिंह का भी रोड शो। तमाम प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाकर प्रचार प्रसार किया है। आज संध्या 5 बजे से द्वितीय चरण का प्रचार प्रसार समापन हो जाएगा तो देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट पर जो कुल 19 प्रत्याशियों ने मैदान में उतरे हैं उन 19 प्रत्याशियों में किस प्रत्याशी को सफलता मिलती है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। हटन मुड़ी ए मुड़ी हटा नहीं यार। Thank you.
बिहार का एक एक जाने परिवार बड़ी बाती जानते हैं। इसलिए तो बिहार को फिर दीवार नहीं पड़ने देंगे। नेता को अपना सेवक सुनिए, सुरेंद्र नेता को अपना गला लगाइए, सुरेंद्र नेता को खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके एक मोबाइल के रिंग पर सुरेंद्र नेता आपके चौकट पर हाजिरी देने का काम करेगा। हम आप तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे, रही विकास की बात तो हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसका सीधा उदाहरण बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, जहां हमने 5 वर्षों तक जनधा की जनता की सेवा करने का काम किया, तो बखूबी आप भी जानते हैं। हम आपसे यही वादा करते हैं, हमने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में जो करने का काम किया, बेगूसराय में आप जनता के रूबरू होने का काम किया, आज हम आपसे वादा करते हैं पचमढ़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम हाँ कोरोना से दूर रहिए। प्रधानमंत्री बना है 40 किलो अनाज और 3 किलो अरहर दाल और 5 किलो चना दाल, और जिसको नहीं मिला है छठ के बाद कोई नहीं बचेगा, सबों को मिल जाएगा। मेरे मित्रों बहनों और भाई, और मेरे मित्रों यहाँ बहुत सारी औरत आई हुई, मर्द लोग गांव घर में औरत को खर्च करने के लिए पैसा नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 3 करोड़ औरत बिहार में, 3 करोड़ गरीब औरत के खाते में 1500 रुपया भिजवाने का काम किया। 1500 रुपया मर्द लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन 1500 रुपया गरीब औरत के खाते में पहुंच गया। मेरे मित्रों, और ये जो राशन कार्ड धारी 1,40,00,000 राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपया बिहार सरकार खजाने से निकाल कर दे चुकी है। 1,000 रुपया हम दे चुके हैं। मेरे मित्रों, कितना काम चाहिए। यहाँ नौजवान में बड़ी संख्या में आगे की पढ़ाई, इंजीनियर बनना, मेडिकल बनना, डॉक्टर बनना, पैसा नहीं है। हम 4,00,000 रुपया कर्जा दे रहे हैं, 4,00,000 रुपया 1,00,000 लड़कों को दे चुके, और जो लड़का पैसा वापस नहीं करेगा उसका कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कोई गरीब को डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोकेंगे नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, कहते कि डॉक्टर नहीं है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला। 58 साल में, कान खोलकर सुन लीजिए, आजादी के 58 साल में बिहार में केवल 1 मेडिकल कॉलेज खुला, भागलपुर में 1 मेडिकल कॉलेज, और हमने 15 साल में कितना खोला, 5 मेडिकल कॉलेज खोल दिया और 11 मेडिकल कॉलेज बनने का काम चालू है। मेरे मित्रों, आपके जमाने में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज बिहार में कोई जिला नहीं है जहां 1 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसे मेरे मित्रों, मैं कितनी बात बोलूं, लोग गरीब लोग जब आना चाहते थे दिल्ली से मुंबई से, फंस गए थे लोग लॉकडाउन में, तो किसने घर तक पहुंचाया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। 22 लाख लोगों को ट्रेन में बैठाकर बिना एक पैसा दिए हुए उनके घर तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी। के पुरनका बाबा, पुरनका का कुछ बता सकते हैं बाबा, किसको बीच में, किसको गठबंधन, कौन गठबंधन, कौन राज सरकार, तेजस्वी सरकार, इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये पूरी भीड़ कहाँ के लिए जा रही है? मंसूर चौक सुशील मोदी को देखने के लिए। सुशील मोदी जी आ रहे हैं जी, जी। उनके लिए आम समर्थक सब जा रहे हैं? हाँ, आम समर्थक सब जा रहे हैं। तो आप लोग इस बार भाजपा को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का अभी तक खाता नहीं खुला है,
क्या इस बार खाता खुल पाएगा? बिल्कुल खुलेगा, कैंडिडेट सही मिला है इसलिए खुलने का चांस पूरा है। कैंडिडेट से बहुत लोग नाखुश भी चल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, निजी स्वार्थ के लिए नाखुश कुछ चल रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए। इस बार भाजपा का खाता खुल जाएगा? बिल्कुल 100% उम्मीद है जरूर खुलेगा।